हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको बोनसाई अपना दिखाऊंगी। अभी मैंने 1 साल पहले इसको लगाया था। ये बरगद का प्लांट है। वैसे घर में ऐसे लॉन में हमारे हो गया था, तो मैंने इसको निकाल के छोटे से डलिया में मैंने ऐसे लगा दिया था। ये देखिए, इसमें मैंने लगा दिया था। इसमें देखिए, जड़ें ऐसे बाहर भी निकल रही हैं। बहुत कम मिट्टी है इसमें, 1 साल पुराना है अभी ये। इसमें देखिए, ये रूट भी दिख रहा है। तो मैंने ऐसे स्टोन रखा था, तभी 1 साल पुराना है ये। प्रॉपर जब बन जाएगा तब उसका वीडियो बना के दिखाऊंगी। तो ये तो अभी काफ़ी छोटा है, इसको अभी कटिंग करना है। तो उसको फिर से हम दूसरी बार वीडियो बनाते हैं। आज हम अपना नीम का बोनसाई कैसे बनाते हैं बताते हैं आपको। मैंने ये पेड़ लगाया था, 3 साल पुराना नीम का पेड़ है, गमले में लगाया था। ये देखिए, कल हमारे यहाँ आंधी आई, गमला उस सीढ़ी पे रखा हुआ था, वो गिर गया नीचे, तो गमला टूट गया। तो मैंने सोचा इसका बोनसाई बनाते हैं, तैयार करते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा प्लांट हो गया था, देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा प्लांट हो गया था। तो इसको मैंने तो यहाँ से सब काट दिया, इसके जो टहनी थी यहाँ ऊपर से, साइड साइड से ऊपर की तरफ से जो टहनियाँ थी उसको मैंने काट दिया। तो मेरा देखिए ऐसा, इतना तब भी काफ़ी बड़ा प्लांट है। तो इसको एक बार ग्रो करते हैं, इसके बाद जो है जब ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा फिर इसकी कटिंग करते हैं। तो ये बोनसाई के लिए हमारी जो मिट्टी होती है उस वो जो है थोड़ा सा पथरीली कंकड़ीली होनी चाहिए। तो इसमें मैंने बालू डाला है, बालू भी होनी चाहिए। तो नीचे मैंने ये मेरा, ये देखिए, ये सब्जी वाला डलिया है, इसमें हम लगा रहे हैं। नीचे मैंने वो लगा दिया है, दिखाती हूँ आपको। ये पानी अब्जर्वर है, ये बोन, ये टुकड़े मैंने लगाए हैं छेद करके, पेचकस से मैंने इसमें छेद किया। और ये जो मैंने ये थैले आते हैं उसको मैंने लगा रखा है नीचे। इसमें बोनसाई बनाते समय हमको बस ध्यान देना होगा कि इसका जो ड्रेनेज बहुत अच्छा हो, पानी रुके ना। तो आपको खाली इतना ध्यान देना है, और थोड़ा सा इसकी मिट्टी जो है पथरीली कंकड़ीली हो। और इसमें हम जो है मिट्टी फिल करेंगे। इसमें मिट्टी हम पूरा, क्योंकि ये जड़ है अभी हम इसको काट नहीं सकते, क्योंकि ये अपने से निकल गया था गमला टूट के। तो ये जब तक इसमें अच्छे से ग्रोथ नहीं हो जाती, नए नए लीफ नहीं आ जाते, हमको लगे कि नहीं ये प्लांट अब अच्छे से हो गया है, मतलब अभी इसको ये जिंदा हो गया है, तो तब हम इसको जो है इसके यहाँ की मिट्टी निकालेंगे। अभी हम पूरा यहाँ तक इसका जड़ जो है मिट्टी से कवर करेंगे, नहीं तो चांसेस है कि पौधा सूख जाए। हमको पौधे को नहीं सूखने देना है, क्योंकि हमें इसका बोनसाई बनाना है। तो हम पूरा इसको यहाँ तक फिल करेंगे, इसकी जड़ें अभी ना दिखें, इसको जड़ को एकदम मिट्टी से कवर करना है हमें। तो आप इसमें कोकोपीट से भी यहाँ कवर कर सकते हैं, कोकोपीट लगा के भी कवर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। हम यहाँ पे बालू वाला मिट्टी ही यूज़ कर रहे हैं, बालू और कोकोपीट के साथ मिट्टी को यूज़ कर रहे हैं। तो ये जब आपको नए नए लीफ इसमें आने लगे, देखिए कि नए लीफ आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि अब ये पौधा अच्छे से सेट हो गया है। तो आप यहाँ की मिट्टी तब हटा सकते हैं, तब इसको इन जड़ों की ज़रूरत नहीं है। तो ये तब ये जो जड़ें हैं, तब ये मेरा नीम का बोनसाई, मैंने 1 महीना पहले इसको इस पॉट में कन्वर्ट किया था। आंधी आई थी तो इसका गमला टूट गया, तो इसको बोनसाई बनाने के लिए मैंने इस पॉट में कन्वर्ट किया। काफ़ी लंबा पौधा हो गया था गमले में, देखिए मैंने इसको पूरा यहाँ पे कवर किया था कि अच्छे से जब तक नहीं हो जाता है तब तक इसकी मिट्टी नहीं निकालेंगे जड़ को। देखिए अभी अच्छे से इसकी ग्रोथ हो गई है, अभी ये पकड़ लिया है। आप बारिश में लगाइए, बारिश में कोई भी पौधा आपका लग जाएगा, कटिंग भी लग जाएगा, मतलब मरने के चांसेस ही नहीं हैं, बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है बारिश में। आप बारिश में कोई भी कटिंग लगा सकते हैं, कोई भी प्लांट को रिपोर्टिंग कर सकते हैं, दूसरा गमला बदल सकते हैं बिना डरे, आराम से ईजिली। तो देखिए मैंने इसको लगाया था, इसकी मैंने कटिंग कर दी थी, तो इसमें से देखिए नए
स्टेम आ गए हैं, तो अब इसको हम इसकी जड़ों को यहाँ से मिट्टी हटा देंगे तो थोड़ा से इसका लुक काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगा। देखिए हमने ढक दिया था जड़ कि इसके पकड़ ले पौधा, नहीं तो हो सकता है, क्योंकि मैंने जड़ें भी इसकी काट दी थी। तो ये देखिए मेरा इस तरह धीरे धीरे बोनसाई बन जाएगा। इसकी कटिंग अभी हम फिर से कर देंगे, आपको जितना घना पौधा करना है इसका बोनसाई का उतनी बार आपको बहुत बार कटिंग करनी होगी, तब जाके ये एकदम घना पौधा तैयार होगा। तो हम इसकी कटिंग करते हैं। देखिए इसको हम आज यहाँ से काटती हूँ। ये देखिए मैंने इसकी कटिंग एकदम प्रूनिंग कर दिया, पूरा इसको काट दिया है। इसको हम एक महीने बाद फिर आपको अपडेट दूंगी इसके कहाँ कहाँ से स्टेम आए। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अभी मैंने एक महीना पहले किया था तो इतना अभी मैंने दिखाया आपको तो कितनी अच्छे से ग्रोथ हो गई थी। तो इस तरह आप नीम की बोनसाई बहुत ईजिली बना सकते हैं आप, ये बहुत ईजिली सर्वाइव कर जाता है, इसकी टेंशन नहीं आपको। तो अगर आप बोनसाई बनाना चाहते हैं तो नीम की बोनसाई बनाइए। ये देखिए दूसरा मैंने बरगद का बना रहे हैं, एक साल पुराना ही है मेरा प्लांट। ये नीम का प्लांट मेरा 2-2.5 साल पुराना है, लेकिन ये बरगद का मेरा अभी 1 साल ही पुराना है। तो देखिए मैंने इसको यहाँ से कटिंग किया था, तो कटिंग करके मैंने इसको इसी पॉट में लगा दिया कटिंग वाला। तो इसमें भी देखिए ये छोटे छोटे आ गए हैं। बरगद आप कटिंग से लगा सकते हैं, लीफ से भी लगा सकते हैं। देखिए हम आपको इसमें जड़ दिखाते हैं अभी, एक मिनट। बरगद भी बहुत आसानी से हो जाता है, देखिए इसमें भी देखिए देखिए रूट दिख रहे हैं। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको अच्छे से ग्रोथ होने में, हाँ स्टेम आने में, क्योंकि अभी 2-3 बार कटिंग करूँगी तब जाके वो साइड साइड से स्टेम आएगा। कटिंग करने के बाद देखिए यहाँ से नया ये ग्रोथ हो रहा है, तो थोड़ा और नीचे से होने के लिए इसको हमको और नीचे कटिंग करना पड़ेगा, तो हो जाएगा वो भी। ये देखिए देखिए लीफ से मैंने इसको ग्रो किया है, ये बरगद लीफ से हो जाता है। लीफ आप ले लीजिए किसी भी कहीं भी आपको बरगद का प्लांट मिले तो आप इसको लगा दीजिए, लीफ से भी आपका बरगद का प्लांट तैयार हो जाएगा। देख रहे हैं इसमें जड़ें आ गई हैं। तो आप इस तरह बरगद का प्लांट भी का बोनसाई बनाना बहुत ईजी है, बहुत ईजीली आप बना सकते हैं। पहले इसको आप छोटे से पॉट में लगाइए, मैंने तो बहुत छोटे से डलिया में लगाया था, तो जब ये इतने ग्रोथ हो गया तो मैंने इसमें कन्वर्ट किया इसको रिपोर्टिंग कर इस ट्रे में। तो इसका बोनसाई आराम से बना सकते हैं आप। तो अगर आपको बोनसाई बनाना है तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, इसको फॉलो कीजिए। आप बारिश में ही पॉट को चेंज कीजिए, बारिश के समय प्लांट्स बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इसका ड्रेनेज एक ध्यान दीजिए, बस बोनसाई बहुत ईजिली हो जाता है। तो इसमें आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। वीडियो मेरा देखने के लिए आपको धन्यवाद। ओके बाय।